दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। ये वीडियो आपके पेन ड्राइव से रिलेटेड है। हो सकता है ये वाला चीज आप फेस किए हो, फंस गए हो, या फिर आने वाला दिन में ऐसा प्रॉब्लम हो ही सकता है। अगर आप एक टेकी बंदा है या नन टेकी बंदा भी है तब भी चलेगा। इस वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं कि आपका पेन ड्राइव का साइज जो है वो कम दिखा रहा है, आप उसको फिर से पहले वाला अवस्था में कैसे लाइएगा। दूसरा ये हो सकता है, अगर कोई बंदा आपको पेन ड्राइव देता है, बोलता है कि भैया आपको डाटा वगैरह देखना नहीं, आपको बिना डाटा देखे हुए ही आप अपना सिस्टम में इंसर्ट कीजिए और उसको फॉर्मेट कीजिए, चलिए ये भी मान लेते हैं। और तीसरा ये कारण हो सकता है कि आप नॉर्मली जब फॉर्मेट करते हैं, नॉर्मली हम लोग राइट क्लिक करके फॉर्मेट वाला ऑप्शन में जाके फॉर्मेट करते हैं तो कोई एरर मैसेज वगैरह दिखा देता है। तो ऐसा दो तीन अवस्था हो सकता है। तो हम लोग इसको कैसे रिकवर करेंगे, एक कमांड प्रॉम्प्ट के माध्यम से। और ये कमांड प्रॉम्प्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरत पड़े तो आप इसको लिख के रख लीजिए स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग करते हैं। वेल दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, समझिए और ट्राई कीजिए, 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रोसेस की तरफ। वेल दोस्तों, सबसे पहले आप रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करके सीएमडी कमांड खोल लीजिए। सीएमडी कमांड यहाँ पे है, इस साइड में हमारा पेन ड्राइव दिखा रहा है, ड्राइव ऐप में जो कम साइज दिखा रहा है, एक्चुअली साइज काफ़ी बड़ा है। अब हमको रन कमांड में सीएमडी में लिखना है डिक्स पार्ट। डिक्स पार्ट लिखने के बाद आपको चेक करना है और एक कमांड डाल के कि आपको कौन सा डिक्स सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ही आपको डिक्स लिखना है, इससे पता चल जाएगा कि आपका कितना ड्राइव है और किस ड्राइव को आपको सेलेक्ट करके फॉर्मेट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर 0 से लेकर 3 तक दिखा दिया और सबसे लास्ट में जो है वो हमारा एफ ड्राइव में एक्चुअली 114 GB दिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो हमको ये पूरा का पूरा स्पेस भी चाहिए और ये वाला फॉर्मेट भी नहीं हो रहा था। तो हम लोग इस तरह से और बिना खोले हम लोग एक्चुअली ये सब काम कर रहे हैं, इसलिए साइड बाई साइड इसको ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम लिखते हैं सेलेक्ट, जिस ड्राइव को भी फॉर्मेट करना है आप सिलेक्ट हो जाइए, कंफर्म हो जाइए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट डिक्स 3, एक्चुअली डिक्स 3 को जो हमारा पेन ड्राइव है उसको हमको फॉर्मेट करना है, इसलिए हम सिलेक्ट डिक्स 3 करेंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पर ही हमारे डिक्स जिसको फॉर्मेट करना है वो कन्फर्म कर लीजिए आप बार बार। उसके बाद आपको एक कमांड चलाना है क्लीन। क्लीन जैसे ही चलाइएगा यहाँ पर ही आप देखिए आपका वो चीज़ चले गया। अब उसको ऊपर राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट वाला नॉर्मल वाला जो ऑप्शन दब आप फॉर्मेट करते हो करिएगा तो आपका पूरा का पूरा साइज मिल जाएगा। अब इसके बाद लास्ट कमांड चला देना है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। अभी देखिए, अब ये वाला जो था ये वाला पहले नहीं फॉर्मेट हो रहा था, अब इसको ऊपर राइट क्लिक करके हम जस्ट फॉर्मेट को ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहले एरर आता था लेकिन अभी फॉर्मेट हमको दिखा दिया, इसका मतलब हमारा जो भी क्वेरीज था हमारा पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, हमारा जितना भी साइज था यहाँ पे साइज भी आ गया। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप एक थम्स अप दे सकते हैं, और कोई क्वायरीज है तो इसी वीडियो में आप कमेंट दीजिए। कमेंट करना अच्छा बात है, कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछिए लेकिन इसी वीडियो के नीचे, ताकि हम उसको रिसॉल्व कर पाएँ अगर कहीं आप फंस गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।